यह पांच गुण वाली महिलाओं से घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। कोई भी पूछता है कि भाई पत्नी कैसी होनी चाहिए, या गृहिणी कैसी होनी चाहिए, या माता कैसी होनी चाहिए, या एक भगिनी कैसी होनी चाहिए, कन्या कैसी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे गुण हैं कि जो गुण यदि वो व्यक्ति में है तो वो एक अच्छी गृहिणी, अच्छी माता, अच्छी भगिनी, अच्छी कन्या, अच्छी पत्नी हो सकती है। तो जो देखते हैं क्या क्या गुण है। नंबर एक, वो एक अच्छी लिसनिंग वाली होना, लिसनिंग स्किल, मतलब सुनने वाली होना, जो सबको सुन लेती है, जो ज्यादा बकबक 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 नहीं करती है, मेरा सच्ची है, मेरा सुनो ऐसा नहीं करती है, सबको सुनती है और सुन के फिर सबको प्रतिसाद देती है, ना कि प्रतिकार करती है। तो सबको सुनने वाली, समझने वाली, जानने वाली, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई, या किसी को फॉर दैट मैटर, कि भाई मेरा सुनना चाहिए किसी ने, तो फिर पहले आपने उनका सुनना चाहिए। तो जब आप किसी का सुनेंगे तो फिर वो आपका सुनेंगे। अभी ये जो है व्यक्ति महिला, इसका यदि लोगों ने सुनना चाहिए ऐसा लगता है उसको, तो फिर उसने पहले लोगों का सुनना चाहिए। तो वो जो महिला है वो एक अच्छी लिसनिंग स्किल वाली होना, सुनने का कौशल्य, श्रवण कौशल्य, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ही लविंग होना। लविंग मतलब प्यार करने वाली। प्यार अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, नहीं ऐसा होगा तो ही मैं प्यार करूंगी, वैसा होगा तो ही मैं प्यार करूंगी, मेरे हिसाब से लोग रहेंगे तो ही मैं अच्छी रहूंगी या मैं प्यार करूंगी, ऐसा नहीं है। प्यार का सीधा मतलब ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति का स्वीकार करना, वो जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करना, उसको बोलते हैं प्यार। तो प्यार करने वाली है। नंबर तीन, वो केयरिंग है, बहुत सबकी केयर करने वाली है, चिंता करने वाली है, सबको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पूछने वाली है, मतलब खुद के ऊपर नजर न रखते हुए सबके ऊपर घर के नजर रख रही है। जब वो सबके ऊपर नजर रखती है, उनकी सेवा करती है, उनको क्या होना क्या नहीं होना वो देखती है, नेचुरली फिर लोग भी उसको पूछते तुमको क्या होना है, फिर उसकी केयर खुद की नेचुरली हो जाती है। तो वो केयरिंग होना, और वो केयरिंग यदि रहती है, बहुत ज्यादा केयर करने वाली, नेचुरली है वो, कि लोग भी उसकी केयर करेंगे, उसकी सुनेंगे। फिर नेक्स्ट ये होता है चौथा, कि भाई ईगोइस्टिक नहीं होना, ईगो नहीं होना। क्या होता है, काफी ईगो रहता है लोगों को, स्पेशली क्या होता है कि शादी होकर जब घर में कोई महिला आती है और वो यदि बड़े घर की होंगी और ये घर समझो सोशियो इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं है या उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वहां पहली उसको बड़ा किया हुआ है, वहां का एक उसको बहुत ईगो रहता है कि मैं यूं हूं मैं त्यूं हूं, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे घर में नौकर क्या करें, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे सब हाथ में ताजा आता है, सब रेडीमेड आता है, और फिर यहां आने के बाद में उसको काम करना यदि पड़ा तो फिर तकलीफ हो जाती है कि मैं यूं, मेरे को इतनी पढ़ाई मैंने की है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज्यादा इगोइस्टिक कि मुझे मानो, मेरी आवाज सुनो, मेरा कहना मानो, लोगों की कुछ मानने का है नहीं। तो ऐसे इगोइस्टिक बहुत डोमिनेट करते हैं, ऐसे इगोइज्म वाले लोग जो है डोमिनेट करते हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो ये जो लोग है, तो ये इनकी वजह से घर टूटता है, घर चलता नहीं है। तो नो ईगो, और नो ईगो इसका मतलब ऐसा है कि पूरा ख्याल लोगों के ऊपर है, अपने ऊपर कुछ ख्याल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब लोगों के ऊपर ख्याल करती है ना, उसकी खुद की केयर लोग लेना चालू कर देते हैं, हमको लेना ही नहीं पड़ता है। तो ईगो नहीं, लोगों के ऊपर ख्याल है और लोगों के लिए खड़े है, उनके जीवन में कैसा फर्क लाना उसके लिए खड़े है, तो महिला घर में बहुत सुख शांति समृद्धि लाती है। पांचवा पॉइंट है कि चारित्रवान महिला, जिसका चरित्र बहुत अच्छा है, चरित्र मतलब उसका कैरेक्टर, तो वो घर में मतलब बहुत बड़ापन या घर में सुख शांति समृद्धि लाती है। क्योंकि क्या होता है कि यदि चरित्र नहीं है और फिर उसके बारे में यदि चर्चा होती है, उसके बारे में एक तो वो खुद ठिकाने पे नहीं है, अपना धीमा करके वो बराबर बर्ताव नहीं करती, घर में भी ठिकाने पे नहीं है, मतलब घर में भी ज्यादा उसको मान सम्मान नहीं है क्योंकि उसका चरित्र बराबर नहीं है, तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए चरित्रवान स्त्री यदि रही तो फिर उसका मतलब वो घर में बहुत सुख शांति समृद्धि लाती है। तो एक अच्छी महिला जो है वो जब शादी होकर घर में आती है तो वो अर्धांगिनी होती है, बेस्ट अर्धांगिनी, अच्छी माता, अच्छी गृहिणी,
अच्छी कन्या और अच्छी भगिनी यदि वह सब रोल ठीक तरह से निभाती है तो घर में बहुत सुख शांति समृद्धि आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जिम्मेदारी महिला की है, ये तो मैंने एक महिलाओं के ऊपर फोकस करने के लिए बोला है। अब मैं जब पुरुष वर्ग के बारे में बात करूंगा तो उनको भी मैं ऐसी इस तरह का ही कुछ बोलूंगा कि भाई वो ऐसा रहते हैं तो घर में कैसी सुख शांति समृद्धि आएगी। क्या होता है कि घर जो है फैमिली वो सबकी वजह से चलता है, एक की वजह से नहीं होता। एक ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो सब करूंगा बराबर, बाकी लोग कैसे भी रहे तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। सब लोगों ने ही, क्योंकि ये घर चलाना फैमिली इज ए टीम वर्क, और टीम वर्क में हर खिलाड़ी जो है वो हर खिलाड़ी यदि अपना अपना गेम बराबर खेलता है तो टीम चलती है, फैमिली चलती है। मगर बहुत ज्यादा रोल जो है वो महिला का रहता है, क्योंकि उसके पीछे उसके आगे पीछे उसके सब बहुत गोल पूरा घर घूमते रहता है, वो एक मेन पायवटल रोल है उसका। और वो यदि ठीक है पक्का पोल बीच का तो फिर बाकी सब चलना आसान हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।